झारखंड में आगामी 8 से 8 जुलाई तक सभी जिलों में अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश और आसमानी बिजली भी गिरने की आशंका बताई जा रही है। अगले 24 घंटे में रांची और आसपास के इलाके समेत कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक ने बताया है कि राज्य में 3 जुलाई तक 6 जिलों यानी देवघर, गुमला, खूंटी, पाकुड़, साहिबगंज और सरायकेला खरसावा को छोड़कर सभी 18 जिलों में सामान्य बारिश या फिर सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है। इधर वज्रपात की संभावना को लेकर सरकार ने भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। वज्रपात से बचने को लेकर कई तरह के दिशा निर्देश भी जारी किए। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शहनवाज हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। शहनवाज, बताया जा रहा है कि आज और कल झारखंड के अलग अलग हिस्सों में जोरदार बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार क्या कुछ आपके पास जानकारी? जी हाँ, मौसम विज्ञान केंद्र ने कल ही एक वीडियो संदेश भेजा था, उसमें कहा था कि आज कल और परसों 3 दिन कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है और मेघ गर्जन और वज्रपात के प्रति उन्होंने चेतावनी भी जारी की है। और ये मानसून का बहुत ही पीक पीरियड है अभी शुरुआत में, और बहुत आवेशित बादल एक दूसरे से घर्षण करके टकराते हैं और जमीन में जो मिनरल्स दबे हुए हैं झारखंड में, ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, उससे आवेशित होकर के ये बहुत ही खतरनाक आवाजें होती हैं। पड़ोसी राज्य बिहार में हालांकि सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर, और झारखंड में भी लगातार मौतें हो रही हैं और पशु भी मारे जाते हैं बड़ी संख्या में, लेकिन शहरों में इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं क्योंकि यहाँ पे मोबाइल टावर्स हैं, बहुत ऊंची बिल्डिंग में चार्ज लगा हुआ है, लेकिन देहातों में ये मौतें होती हैं। इसलिए देहात के लोगों को खास करके जब इस तरह की मेघ गर्जन की आवाज सुनाई दे और थोड़ी रोशनी कम हो जाए आसमान में और बादल बहुत नीचे दिखाई दें तो खेतों में नहीं रहना चाहिए, पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए। ये विशेष चेतावनी सरकार ने भी अपने अखबारों में के माध्यम से तमाम चेतावनी छापी है और हम भी अपने दर्शकों को ये सचेत करें कि आज कल परसों 3 दिन विशेष रूप से जब बहुत बादल नीचे दिखाई दें और बहुत घंघरत की आवाज हो तो खेतों और पेड़ के नीचे पनाह न लें और अपने पशुओं को भी घर के अंदर ही रखें। और इस तरह बारिश का जहाँ तक ताल्लुक है, बारिश की अभी जरूरत है क्योंकि बिजड़े तैयार हो रहे हैं खेतों में और उनको घुटने भर पानी भी चाहिए अपने अपने खेतों में, तो ये बारिश बहुत ही वरदान साबित होगी आगे की फसल के लिए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शहनवाज। और मौसम विभाग के मुताबिक 8 जुलाई तक राजधानी रांची समेत झारखंड के अलग अलग इलाकों में बादल छाए रहेंगे। शुक्रवार को गरज के साथ हल्की बारिश होने की भी संभावना है और खास तौर पर वज्रपात से सचेत रहने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक अगले सप्ताह भी मध्यम दर्जे की बारिश होगी। उत्तर पूर्व के कुछ जिलों में भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो पाकुड़ में सबसे ज्यादा बारिश हुई। पाकुड़ जिला में हेवी रेनफॉल का भी रिकॉर्ड हुआ है, जो सिग्निफिकेंट रेनफॉल है पाकुड़ में जो है 96.2, गिरिडीह 48.6, दुमका 45, गुमला 39.6 और पलामू में 24.8। अगर अब तक के मॉनसून की बात करें तो झारखंड के 6 जिले सामान्य वर्षा से नीचे चल रहे हैं, मगर अन्य 18 जिलों में बारिश की स्थिति बेहतर है। कुछ कुछ जिलों में जरूरत से ज्यादा भी बारिश दर्ज की गई है। अगले 3 दिन सामान्य बारिश के हैं, मगर 3 दिन बाद बारिश में तेजी दर्ज किए जाने की संभावना जताई गई है। 6 जिलों में सामान्य से कम रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है। जो डिस्ट्रिक्ट है वो देवघर, गुमला, खूंटी, पाकुड़, साहिबगंज और सरायकेला खरसावा। बाकी जो 18 डिस्ट्रिक्ट है, 18 डिस्ट्रिक्ट में सामान्य और सामान्य से ज्यादा रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है। खेती किसानी की दृष्टि से आने वाला सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अब धान के बिचड़े तैयार हैं
और किसान उन्हें खेतों में घुटने पर पानी में लगाएंगे। मगर इस दौरान उन्हें वज्रपात के खतरे से भी सावधान रहने की जरूरत है। न्यूज 11 भारत के लिए शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट।